ये वीडियो क्लास 12th का प्रोज वेमेन एजुकेशन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक देखा कि संबंध कैसा होना चाहिए अंत में शिक्षक और छात्र का, कि दोनों में बड़ा प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए। आज दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। अगला पैराग्राफ, कंपैशन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मेन। आई रेड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपैशन। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स नर पशु नॉट मोर देन दैट। कंपैशन जिसे हिंदी में दया कहते हैं, ये पुरुष के मुकाबले नारी का अधिक गुण माना जाता है। दया को ऐसा माना जाता है कि ये नारियों का गुण है, नारियों का गहना है पुरुष के मुकाबले। और राधा कृष्णन जी कहते हैं कि मैंने जल्दी ही एक पुस्तक पढ़ी है कि जो ये बताता है कि आज नारीत्व में कमी आई है, यानी नारी के जो मूल स्वभाव हैं, जो गुण हैं, उसमें कमी आई है। और वो पुस्तक ये भी कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि दया में गिरावट आई है, दया में कमी आई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, कि औरत की जो प्राकृतिक एक गुण है औरत का, वो दया ही है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस काइंडनेस एंड कंपैशन। इसीलिए हर व्यक्ति की ये आवश्यक है, एसेंशियल यानी आवश्यक है कि इन गुणों को अपने अंदर विकसित करें, दया की भावना को, एक दूसरे की बातों को समझें कि किसे क्या है, क्या कमी है। कंसिडरेटनेस मतलब वही, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको हम समझें, उनको क्या अच्छा क्या बुरा उनके साथ हो रहा है उसे हम अनुभव कर सकें। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स नर पशु। अगर ये सब क्वालिटीज नहीं है तो हम नर पशु हैं, एनिमल हैं, मनीष हमारी देह मनुष्य की है लेकिन हम पशु के ही समान हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा है कि क्षमा त्याग और दया नारी मनुष्य जीवन के उच्चतम आदर्श हैं और नारी इन आदर्शों को प्राप्त कर चुकी है। ये मुंशी प्रेमचंद ने भी ये लिखा है कि मनुष्य जीवन के उच्चतम आदर्श यही तीनों हैं और नारी इनको प्राप्त कर चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल अस संसार विष वृक्ष। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। दीज टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मेन्स माइंड एंड हार्ट्स। आई एम एंग्शियस दैट आर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट, वॉट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। द टीचर रिप्लाइज, डिडंट यू हियर द आंसर? देयर वॉज अ थंडर क्लैप, द द द। इमिडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दम दान दया। They constitute the essentials of the good life. You must have dham or self-control, restraint, which is the mark of a human being. In the Ramayana, when Lakshman sets out for the forest, his mother tells him, "Look upon Ram as your brother, Dasharath, as your father, Dasharath. Look upon Sita as myself, as your mother. Look upon the forest as Ayodhya. Go, my dear." There is a famous verse विच टेल अस संसार विष वृक्ष। वृक्षस्य एक श्लोक है संस्कृत का कि संसार विष का वृक्ष है, अर्थात ढेर सारी कमियां यहां हैं। अगले लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड यानी संसार में, ये अपूर्ण संसार जिसमें ढेर सारी कमियां हैं, रोग है, शोक है, कष्ट है। देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। दो फल हैं जिन्हें हम इसको मतलब नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। इनइमिटेबल का मतलब होता है कि
जिसकी कॉपी न की जा सके। कॉपी मतलब नकल, मतलब संसार में हर प्रकार के कष्ट हैं, हर प्रकार की कमियां हैं, लेकिन दो फल हमें ऐसे मिल गए हैं कि जिनका कोई जोड़ ही नहीं है। और वो क्या हैं? दे आर द स्टडी ऑफ अ ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। क्लासिक्स यानी जो प्राचीन काल की जो धरोहर, जो पुस्तकें हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, विद्वतापूर्ण भरे विद्वता से भरे हुए जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना एक फल तो ये है, और दूसरा कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और जो महान गुरु हैं, महान विद्वान हैं, उन मस्तिष्क के साथ बातचीत करना, अर्थात उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना। ये दो फल ऐसे हैं, इस संसार अपूर्ण है, संसार में तमाम कष्ट हैं, लेकिन ये दो फल हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है, इन दोनों फलों को हमें चखना चाहिए। दीज आर टू आर द थिंग्स विच मोल्ड मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आदमी के मन और मस्तिष्क को, हृदय को ढालते हैं। ये मैं बार बार बताता हूँ और सभी लोग बताते होंगे कि जैसे आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वैसे आप बन जाते हैं, जैसे लोगों के बारे में आप सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसीलिए तो भाई ये समाज आशा करता है कि शिक्षक को एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए तुम्हारे सामने या अपने छात्रों के सामने, अपना आदर्श रूप, कोई कमी ना आने पाए सामने। तो ये दो चीज़ें, यानी जो क्लासिक्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, प्राचीन शास्त्र, उनका अध्ययन, और विद्वानों के साथ रहना या विद्वान लोगों के मस्तिष्क को समझने का प्रयास करना। तो इन्हीं से हमारा हृदय और मन ढलता है, हमारी सोच बनती है, हमारा जीवन बनता है। आई एम एंग्शियस दैट आर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, मैं इस बात पे बड़ा चिंतित हूँ कि हमारे जो प्राचीन क्लासिक्स हैं, जो शास्त्र हैं, इन्हें पढ़ा जाना चाहिए, इनका अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर इनहेरिटर्स, और दूसरे देशों में भी जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, उन्हें भी पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी उनके विरासत में हमें ये चीज़ें मिली हैं। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में छोटे सा डायलॉग है, बातचीत है, दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न किया जाता है उपनिषद में। उपनिषद अक्सर प्रश्नोत्तर माध्यम से रचनाएं हैं, उसमें शिष्य और गुरु हैं, बातचीत होती है। तो प्रश्न किया जा रहा है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छा जीवन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ये प्रश्न किया गया। द टीचर रिप्लाइज, और गुरु उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आप उत्तर नहीं सुन रहे हैं। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, और उसी समय गड़गड़ाया, बादल गरजा, द द ऐसे आवाज़ आई तीन बार। इमिडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, और तुरंत ही शिक्षक ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको आगे समझाया, व्याख्या करके बताया। दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, ये तीन बार जो द द आया, यही तीनों अच्छे जीवन का सार हैं, और तीनों सार को बताया तीन बार द से, दम दान दया। दम दान दया, दान समझते हो दान करना, दया भी समझते हो। दम क्या होता है, दम को एक्सप्लेन करते हैं, दमन करना, दमन यानी क्या वो देखो। दे कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ द गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन के सार हैं, इन्हीं से मिलकर अच्छा जीवन बनता है। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल रिस्ट्रेंट, आपके अंदर दम होना चाहिए, दम अर्थात दमन, दमन अर्थात सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, या रिस्ट्रेन यानी अपने आप को रोकना बुरी चीज़ों से, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ये बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बींग, और यही तो मनुष्य का लक्षण है, मनुष्य का चिन्ह ही यही है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल नहीं, जैसे तुम्हें भूख लगी तो तुम्हें कंट्रोल करना है कि हमें भूख कैसे मिटानी है, घर जाओगे, खाना मांगोगे, खाओगे, अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा तो किसी का छीन लोगे। जितने भी अपराध हैं इसी वजह से तो हैं, किसी की हत्या, किसी का रेप, लूट, क्यों है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या लड़ाई झगड़ा मारपीट तमाम घटनाएं। तो सेल्फ कंट्रोल यही मनुष्य होने का लक्षण है, पहला लक्षण और सबसे बड़ा लक्षण है। क्रोध में आना, किसी को कुछ कहना, या तमाम बातें, इधर की बातें उधर करना, ढेरों कमियां। आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखो और इसको विस्तार पे समझने का प्रयास करना अपने अनुसार। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम, रामायण की घटना है कि जब लक्ष्मण वन को जाने लगते हैं, रामायण मैं समझता हूँ कि तुम सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अवश्य देखो, अवश्य पढ़ो, इससे अच्छी पुस्तक पूरे विश्व में है नहीं। सामान्य भाषा में रामचरितमानस भी पढ़ो, बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें और मर्यादा की बातें सीखने को मिलती है। तो जब वन जा रहे हैं, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, केवल वनवास श्रीराम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण उनका साथ नहीं छोड़ते छोटे भाई के होने के कारण, और पत्नी इसलिए साथ नहीं छोड़ते कि भाई जहाँ पति वहीं पत्नी।
तो उनकी माँ शिक्षा देती है लक्ष्मण को, और क्या शिक्षा देती है, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ। अब वन में जा रहे हो बेटा लक्ष्मण, तो जो तुम्हारे ये भैया राम हैं इनको अपने पिता दशरथ के समान समझना, यानी राम में दशरथ का रूप देखना। एंड लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और जो सीता तुम्हारी भाभी हैं इनको अपनी माता के समान समझना। एंड लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो वन में जाओगे उस जंगल में, उस जंगल को भी अयोध्या के समान समझना, अयोध्या नगरी ही समझ के रहना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्यारे। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इन टू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आर सेल्व्स। कहते हैं कि देयर आर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आर क्लासिक्स, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं रोमांचित कर देने वाली, इतनी रोमांचक कहानियाँ हैं, घटनाएँ हैं, कि ये हमारे अंदर भर देंगी मॉरल स्ट्रेंथ, नैतिक साहस, नैतिक शक्ति हमें प्रदान करेंगी ये कहानियाँ। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कॉन्डक्ट आर सेल्व्स, और ये कहानियाँ जब हमारे अंदर ये नैतिक बल भी देंगी और हमारे लिए एक लाइन बना देंगी, एक रेखा बना देंगी, और उसी रेखा के अनुसार हमें अपना व्यवहार निर्धारित करना होगा। गिव अस गुड वेमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, एक कहावत ये कही जाती है, गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। कहते हैं अगर हमें अच्छी औरत दे दो, औरतें हमें अच्छी मिल जाएं, किसी राष्ट्र को, किसी राज्य को, किसी देश को यदि अच्छी औरतें मिल जाएं तो सभ्यता बहुत बड़ी बन सकती है, और अगर अच्छी माताएं मिल जाएं तो वो राष्ट्र बड़ा महान बन सकता है। यानी एक नारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है समाज और राष्ट्र और देश के निर्माण में, इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है। When you talk about education, you have several aims in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live, science, history, and geography enable you to get that knowledge. You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. These are still accepted the world over as objects of education. Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. But what is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country? We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. That has been the main purpose of education. For some centuries, we neglected our women folk. Our tradition, however, has been somewhat different. Purakalpe sunarinam mandir vrandana nishchita adhyapanansh vedanam gayatri vachanam tatha. कहते हैं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सेवरल एम्स इन व्यू, हमारे मन में कई लक्ष्य होते हैं। कई लक्ष्य का मतलब दो तरीके का लक्ष्य, एक तो जो हम जीवन में जी रहे हैं, जो संसार है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान हो। तो संसार का ज्ञान कैसे होगा भाई, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी इनेबल टू गेट दैट नॉलेज, ये सारे विषय हम पढ़ते हैं तो इस संसार के बारे में हम जानते हैं। और दूसरी बात यह होती है, यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल टू अर्न सम लाइवलीहुड, कि कोई टेक्निकल स्किल भी आए, कोई ऐसी बात वो सीख लें कि जिससे वो अपना लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी, अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये कई लक्ष्य होते हैं जिसमें ये दो लक्ष्य ये बड़ी है। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, अभी भी शिक्षा के लक्ष्य के रूप में इन्हीं चीज़ों को पूरी दुनिया में माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, इस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और टेक्निकल नॉलेज, कुछ तकनीकी ज्ञान जिससे आप जीवन चला सकें। बट वॉट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन अपने देश की अगर हम बात करें तो इसमें क्या विशिष्ट बात है इन दोनों के अलावे जो ज्ञान हमें मिलेगा।
We have heard that the chief purpose of education is not merely the acquire of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. हमने सुना है जीवन के बारे में कि जीवन जो है शिक्षा का उद्देश्य जीवन के प्रति क्या होना चाहिए कि एक मुख्य उद्देश्य अलग है ये केवल स्किल यानी कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना नहीं बल्कि इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ हमारा जीवन थोड़ा सा और उच्च कोटि का बन सके और उच्च कोटि का अर्थ इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी स्थान और समय के बंधन से हम मुक्त हो जाएं हम बहुत उच्च स्तर पर सोचने लगें मानव जीवन के उद्देश्यों की बात करें ये काफ़ी फिलोसफिक बातें हो रही हैं तुम लोगों की आयु अभी इतनी है नहीं या इस तरह की परिस्थितियां तुम्हारे सामने नहीं हैं कि ऐसे फिलॉसफिक बातों को समझ सको फिर भी समझने का प्रयास करो स्पेस एंड टाइम स्पेस यानी स्थान और समय इन दोनों बंधनों से जो मुक्त हो जाता है वो महान होता है महात्मा हो जाता है तो जीवन का उद्देश्य ये है और हमारे यहाँ तो ये कहा ही गया है या विद्या साभिमुक्तये अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे और मुक्ति कब मिलेगी मुक्ति यही है कि जब आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो गए तो आपको मुक्ति मिल गई जीते जी इसके लिए मरना आवश्यक नहीं होता दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन और शिक्षा का मूल उद्देश्य तो यही रहा है फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वेमेन फोक लेकिन कई शताब्दियां ऐसी बीती कि हमने अपने औरतों को नेग्लेक्ट किया उन पर ध्यान नहीं दिया देखो ये बहुत सच्चाई है कि हमारे औरतों को ये शिक्षा पिछड़ गई थी उस समय और उसका कारण मैं बताता चलूँ कि क्यों ऐसा हुआ पहले हमारे यहाँ की औरतों को शिक्षा दीक्षा में पर्याप्त अवसर थे कोई भेदभाव नहीं था क्योंकि अपाला घोषा लोपा मुद्रा ऐसी तमाम महिलाएं थीं प्राचीन काल में जो विदुषी थीं ब्रह्मचारिणी थीं जिन्होंने शिक्षा विधिवत प्राप्त की थी जैसे कि कोई ऋषि महात्मा प्राप्त करते हैं बाद में हुआ क्या जब इस्लामिक आक्रमण शुरू होता है तो आम बात हो गई स्त्रियों को उठा ले जाना बलात्कार करना उन्हें गुलाम बना लेना बेच देना तो लोगों ने औरतों को घरों में सीमित किया इसके पहले हमारी औरतें विद्वान होती थीं हमारे यहाँ ना पर्दा प्रथा थी ना बाल विवाह था ना ही कन्या हत्या थी ना ही सती प्रथा थी कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलेगा प्राचीन काल में बल्कि ये समझो कि स्वयंवर हुआ करता था रामायण महाभारत देखो तो स्वयंवर स्वयंवर का अर्थ आज भी हम अपनी लड़कियों को चाहे जितना पढ़ा दें हम उन्हें ये नहीं छूट देते कि तुम अपना पति स्वयं खोज लो तो सोचो उस समय औरतें कितनी योग्य होती होंगी कि वो अपना पति स्वयं खोजती थी एक कॉम्पिटिशन होता था चाहे महाभारत देखो रामायण देखो और कोई भी कम आयु की नहीं होंगी क्योंकि उतना उनकी क्षमता कब विकसित होगी जब पर्याप्त शिक्षित होंगी पढ़ी लिखी होंगी समझदार हो जाएंगी बौद्धिक विकास हुआ रहेगा तब ना तो ये परंपरा थी तो चूंकि हम लोग गुलाम होते गए और विदेशी आक्रमणों में ये आम बात थी बलात्कार करना उठा ले जाना उनको खरीदना बेचना तो नारियों के ऊपर तमाम बंदिशें लगती गईं रोक टोक होने लगी और इस तरह की बुराइयां आ गई समाज में तो पिछले कुछ शताब्दियों में यह आम बात रही पहले इस्लामिक अटैक हुआ फिर अंग्रेज आ गए और इस तरह लेकिन कहते हैं कि आर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट अगले श्लोक में वो दिखाते हैं कि लेकिन हमारी परंपरा बड़ी अलग रही अभी बीच में गड़बड़ हुआ ये सब अभी तुम ही लोग देखो जिस गांव का माहौल अलग होगा गंदा होगा जैसे कि लड़कियां मान लो तुम्हारे गांव में कोई ऐसा रास्ते से लड़कियां जाती हैं यहाँ विद्यालय वहां का बड़ा गंदा माहौल है वहां 10-20 शराबी गुंडे ऐसे बैठते हैं अंडबंड बोलते हों और गांव के लोग उनसे डरते हों तो क्या होगा लोग बच्चियों को बाहर भेजना बंद कर देंगे बहुत साधारण सा उदाहरण ले लो जहां का ऐसा गंदा माहौल होगा वहां बच्चियों को लोग पर्दे में रखेंगे छिपा के रखेंगे केवल भय के नाते कि भाई बचाओ इन दुष्टों से इन पापियों से बचाओ तो हमारे देश में भी ये सारी कमियां इन्हीं आक्रमणकारियों हत्यारों बलात्कारियों के कारण आई क्योंकि देखो श्लोक क्या कह रहा है पूरा कल्पेशु नारीनाम मंदिर वंदन निश्चित अध्यापनाश्च वेदनाम गायत्री वचनम तथा गायत्री मंत्र भी ऐसा कहती है कि पहले स्त्रियां मंदिरों में भी जाती थी पूजा करती थी और देवता के समान उनको भी अधिकार मिले हुए थे पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं थे इसके अलावा और भी श्लोक है जो मैं कोट कर देता हूँ यहाँ कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता वे नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं यह कहा गया और अभी भी गाँव में अनपढ़ आदमी भी अनपढ़ वृद्ध भी किसी के घर बच्ची पैदा हो जाए तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि लक्ष्मी आई है बच्ची के पैदा होने पर इतना ही नहीं आपका विवाह होता है तो बहू आती है तो हम उसे लक्ष्मी का अवतार मानते हैं लक्ष्मी जो पूजनीय हैं पूजनीय हैं बड़ा सम्मान महिलाओं का था
तो ये जितनी कमियां आई, चाहे पर्दा प्रथा हो, सती प्रथा हो या शिक्षा से रोक, ये सब इन्हीं के कारण, क्योंकि हत्या, बलात्कार, उठा ले जाना, बेच देना, ये सब आम बात हो गई थी विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। इन एंशंट टाइम्स आर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आर वुमेन, but our civilization became arrested and one of the main signs of the decay of our civilization is the subjection of women. After independence, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has been affected in our country and women are coming into their own. In ancient times, our women had the ceremony of upanayan performed for them. प्राचीन काल में उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था। उपनयन संस्कार वो होता था कि जिसमें बच्चा जब एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेता था तो उसके वस्त्र वगैरह, जो घर अच्छे परिवार के वस्त्र, यानी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर और उनका ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गुरु के पास भेजते थे और वहाँ वो शिक्षा प्राप्त करता था वन में रह के, गुरु के आश्रम में रह के। तो महिलाओं का भी होता था। दे वर एंटाइटल टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वेद पढ़ने का उन्हें अधिकार था, उन्हें वेद पढ़ने को मिलता था। दे वर ऑल्सो एंटाइटल टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, उन्हें गायत्री जप भी मिलता था करने के लिए, वो गायत्री मंत्र का जप करती थी औरतें। All these things were open to our women. ये सारी चीज़ें औरतों के लिए खुली हुई थी, but our civilization became arrested and one of the main signs of the decay of our civilization is the subjection of women. लेकिन हमारी सभ्यता पूरी तरह से जकड़ में आ गई, इन जंगली जो हत्यारे लुटेरे आए, बलात्कारी, इनके द्वारा जकड़ ली गई हमारी सभ्यता, इनके चंगुल में फंस गई। और जब कोई भी सभ्यता फंसती है, किसी की भी प्रताड़ना होती है, तो सबसे पहले उसका शिकार महिलाएँ ही होती हैं। ये आप अपने आसपास से, थोड़ी सी हाई फिलोसफिक बात हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग इसको समझ पाओगे या नहीं, लेकिन अपने आसपास भी देखोगे तो अगर किसी परिवार की बहुत दुर्दशा है तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की दुर्दशा अधिक होती है, चाहे किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र में इसको नोटिस करोगे। तो हमारी पूरी सभ्यता में हमारा सब्जेक्शन तो हुआ, हम तो निचले स्तर पर आए, हम पतन हुए, हमारा पतन हुआ, हम पतित हुए, लेकिन हमारी महिलाओं का पतन और अधिक हो गया। After independence, स्वतंत्रता के बाद, through the exertions of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country and women are coming into their own. लेकिन स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से एक क्रांति आ गई है हमारे देश में और अब महिलाएं अपना पूरे स्वरूप में, पूरी शक्ति के साथ सामने आ रही हैं और हर चीज़ में भाग ले रही हैं। तो ये चैप्टर मैंने ख़त्म किया, मैंने सोचा था दो पार्ट में करूँगा वीडियो, लेकिन मुझे लगा कि समाप्त हो सकता है, तो इसको कायदे से पढ़ना कई बार, थोड़ी सी फिलॉसफिक है लेकिन बड़ी अच्छी बातें इसमें हैं। सभ्यता के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया कि जब कोई भी व्यक्ति गुलाम होता है, कोई राष्ट्र गुलाम होता है, दूसरे के दास बनते हैं, तो कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन आता है। चिन्ह मिटाए जाते हैं, जैसे हमारे सारे प्राचीन स्थल जितने भी देखोगे सब तोड़े गए, सब मिटाए गए, क्योंकि जंगली थे वो, बर्बर थे, चाहे नालंदा रहा हो, तक्षशिला रहा हो। ये विश्वविद्यालय उस समय थे कि जब पूरी दुनिया में शिक्षा नहीं थी, हमारे यहाँ विदेशों से लोग आकर पढ़ते थे, लेकिन चूंकि ये जंगली लुटेरे हत्यारे बलात्कारी थे, इन्होंने सब तोड़ा, सब आग लगा दिया। जंगली आदमी नष्ट करता है, अनपढ़ गंवार जंगली लुटेरे यही करते हैं और ये हमारे देश में होता रहा, इसीलिए हम बहुत पीछे हो गए, नहीं तो शायद आज हम संभवतः पूरे संसार में सबसे आगे रहते। तो इस पाठ को कई बार पढ़ना, समझने का प्रयास करना, और अब तो ऐसी कोई रोक नहीं है, अब महिलाओं को पूरे अवसर हैं, हर जगह हैं, लेकिन फिर भी शोषण हो ही जाता है कहीं ना कहीं। विशेषकर मैंने बताया ना कि जहाँ का माहौल गंदा है, जिस गांव का, वहाँ की बच्चियाँ कम निकल पाएंगी बाहर। जैसे अगर आपके यहाँ की सुरक्षात्मक माहौल नहीं, तो शाम के बाद बच्चियों का निकलना बंद हो जाता है कई गाँव में, 6 बजे 7 बजे के बाद, असुरक्षा का अगर वातावरण है इस तरह। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, छोटे स्तर पर इनको समझने का प्रयास करोगे तो पाठ और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।